हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं अपलोड कर रही हूं मैं, क्योंकि इस बीच थोड़ी मेरी व्यस्तता बढ़ गई है। अभी सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हुए हैं और अब मैं फिर से अपनी स्टडी पे लगूंगी अच्छे से, क्योंकि अब सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है। छठ के दिन मैंने अपनी दोनों लड़कियों का मुंडन किया था। किसी रीज़न से गिया का थोड़ा सा लेट हो गया। अभी 28 को ही इसका 4 साल कंप्लीट हुआ है। अभी जस्ट ये 5 में एंटर की है, तो अभी इसका मुंडन हो रहा है छठ के दिन। बिकॉज जल्दी साइत जो हम लोग के यहाँ होता है मुहूर्त, मीन्स वो नहीं होता है मुंडन का, बट छठ के दिन हो जाता है, तो इसलिए अभी उतर रहे हैं इसके बाल। और मुझे देख के बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि इसके बाल काफ़ी लंबे हो गए थे। बहुत केयर करती थी मैं इसके बालों के, और लंबी लंबी चोटियाँ भी इसकी होती थी। इसको बिल्कुल नहीं पसंद कि इसके बाल कटे। हमेशा बोलती थी ये कि मेरे बाल बहुत छोटे छोटे कट करवाना, मेरा मुंडन नहीं होगा, मैं टकली नहीं होंगी। बट अभी बेचारी को पता नहीं है, अभी हम सब इसे यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा बाल बस कान तक ही हम लोग कट करवा रहे हैं। जब इसको पता चलेगा कि हाँ टकली हो गई है, तब ये रोना स्टार्ट करेगी। जो इसने किया भी है, आप लोग को आगे वीडियो में दिखेगा कि जब इसने टच किया है, इसको फील हुआ कि हाँ मेरे बाल, मैं टकली हो गई हूँ, तब ये रोना स्टार्ट कर दी थी। और इसी के साथ फिर मैंने छोटी वाली बच्ची का भी मुंडन करवा दिया, क्योंकि जितने जल्दी जो बाल होते हैं, जो बच्चे बर्थ के साथ अपने बाल लेके निकलते हैं, जितने जल्दी वो कट जाएं वो अच्छा होता है। गिया का किसी रीज़न से थोड़ा लेट हो गया था, तो अभी फाइनली मेरे सारे काम हो गए। अभी बैक टू बैक मेरी जो व्यस्तता थी वो बढ़ती जा रही थी। पहले करवा चौथ, दिवाली, देन गिया का बर्थडे, फिर छठ और फिर मुंडन। तो मतलब इस टाइम जो मैं इतना बिजी रही हूँ कि पढ़ाई का एकदम मुझे टाइम नहीं मिला है। सोच के तो रखा था मैंने कि मैं डेली लाइव वीडियो करूँगी, बट मैं लाइव भी नहीं आ पाई हूँ, क्योंकि घर में फैमिली मेम्बर्स भी बढ़ गए थे। अभी सब लोग आए हुए हैं घर में फेस्टिवल्स के लिए, तो अब सब चले गए हैं। अब फिर अपनी जो डेली की पढ़ाई है उस पर अच्छे से मैं लगूँगी। आई होप आप लोग को मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा।